देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मेरी सेकंड हैंड कार ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। ऊपर से अनजान जगह होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मदद मिलेगी या नहीं। खैर, गाड़ी में बैठे रहने से तो वैसे भी कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मैं गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे दूर एक बस्ती नजर आई। मुझे लगा शायद वहाँ पर कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। ये सोचकर मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। अभी मैंने कुछ कदम तय ही किए थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुनो जरा। वो आवाज़ बेहद भारी थी। मैं आहिस्ते से पीछे पलटा तो मैंने पाया कि एक वृद्ध आदमी तीन पोटली लिए खड़ा है। उसे देखते ही मैंने उसके पास जाते हुए कहा, जी बाबा बोलो क्या बात है। इस पर वो वृद्ध आदमी अपनी बूढ़ी आवाज में हांफते हुए बोला, बेटा मुझे आगे तालाब तक छोड़ दोगे, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाँ करते हुए कहा, ठीक है बाबा मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहते ही उस वृद्ध ने अपनी एक पोटली नीचे रख दी और फिर जब मैंने वो पोटली उठाई तो वो बहुत ही भारी थी। मैंने उस पोटली को उठाते हुए कहा, बाबा क्या है इसमें, ये तो काफ़ी भारी है। तो उसने जवाब दिया कि, बेटा इसमें पैसे हैं। पैसों का नाम सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि पैसों से भरी पोटली ये कहाँ से लाया है और कहाँ ले जा रहा है। खैर, इन सब बातों से मुझे तो कोई मतलब नहीं था, तो मैंने वो पोटली उठाते हुए उस आदमी से कहा, लाओ बाबा एक और दे दो। और दोनों पोटलियाँ लेकर मैं उसके आगे आगे चलने लगा। चलते चलते मैंने बाबा से कहा, बाबा यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक मिलेगा क्या, वो क्या है कि मेरी कार अचानक ही बंद पड़ गई है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ आगे है एक दुकान, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब हम काफ़ी दूर आ गए थे पर ना तो वो तालाब दिख रहा था और ना ही कोई मैकेनिक की दुकान। फिर कुछ और आगे जाने के बाद एक तालाब नजर आया जिसके किनारे पहुंचते ही मैंने उस आदमी से कहा, लो बाबा आ गया तालाब, बस अब आप मुझे मैकेनिक की दुकान बता दो। अब वो बूढ़ा आदमी मुस्काने लगा था और मुस्काते हुए बोला, बेटा मेरी पोटलियाँ उस पार तो रखवा दो फिर चले जाना। पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, मेरे शरीर का रोंगटा फूल रहा था। जैसे ही मैं उस तालाब में दाखिल हुआ कि पानी में बहुत जोर का धमाका हुआ, तालाब का पानी 4 फीट ऊंचा कूद गया और देखते ही देखते तालाब के पानी में जोरों की हलचल होने लगी। तभी मुझे पानी में कुछ चलता हुआ दिखा, वो मेरी ही तरफ बढ़ रहा था कि तभी मैं चीखते हुए तालाब से बाहर आ गया और उस वृद्ध आदमी को पुकारने लगा, मगर वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे जोरों से हंसने की आवाज़ सुनाई दी और फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरा दिल धक से हो गया। दरअसल उस तालाब में वही वृद्ध आदमी था जो देखने में अब बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। तभी वो शैतान बोला, अच्छा हुआ जो तू तालाब से बाहर निकल गया, नहीं तो तुझे आज इसी तालाब में डुबोकर मार देता मैं। फिर अचानक ही वो शैतान पानी में जोर जोर से गोते मारने लगा, लिहाजन मैं बिना देरी किए वहां से सरपट भागा और सीधा अपनी कार के पास आकर रुका। तभी मैंने हांफते हुए आ रहे एक ट्रक को हाथ दिया और ट्रक वाले ने मुझे आगे मैकेनिक की दुकान तक छोड़ा। फिर जब मैं मैकेनिक के साथ आ रहा था तो मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा, कई साल पहले वो वृद्ध आदमी अपने साथ कुछ रुपए लेकर जा रहा था जिनकी भनक कुछ बदमाशों को लग गई, उन बदमाशों ने उसे लूटने के बाद जान से मारकर उसी तालाब में फेंक दिया था, तब से उसकी आत्मा उसी तालाब में रहती है। ये सब जानने के बाद मैं अपनी कार ठीक करवा कर अपने घर पहुंचा और घर जाने के बाद मैं डरा सहमा कुछ दिनों तक बीमार रहा।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।